अगर आप भी दवाइयों को ऑनलाइन खरीदते या बेचते हैं तो आज हम आपको जो खबर बताने वाले हैं वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर बैन लगा दिया है। इसका मतलब ये कि अब आप दवाइयों को ऑनलाइन नहीं खरीद सकेंगे। इसके साथ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली की आप सरकार को सलाह दी है कि इस आदेश को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कदम क्यों लिया गया। दरअसल दिल्ली के डर्मेटोलॉजिस्ट जहीर अहमद ने एक याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में उन्होंने बताया था कि कैसे हर रोज़ लाखों दवाइयां बिना नियमों के बेची जाती हैं और किस तरह ये मरीजों के साथ साथ डॉक्टरों के लिए भी खतरा है। इस याचिका में उन्होंने ये भी बताया था कि 1940 के ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट और 1948 के फार्मेसी एक्ट के मुताबिक कानून दवाइयों के ऑनलाइन बेचे जाने को इजाज़त नहीं देता है। इस याचिका में अहमद जहीर ने सरकार के कामकाज करने के तरीके पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि कई सारे लोग इनमें ऐसे हैं जो ऑनलाइन दवाओं को बिना लाइसेंस के बेचते हैं। इसके अलावा अहमद जहीर ने अपनी याचिका में ये भी बताया कि कई सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो बिना डॉक्टर के सुझाव के नहीं लेनी चाहिए। आमतौर पर स्टोर्स पर ऐसी दवाइयाँ बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जाती, लेकिन ऑनलाइन स्टोर्स पर ये आसानी से उपलब्ध होती हैं। इसीलिए ऑनलाइन दवाइयों का बेचे जाना मरीजों के लिए काफ़ी खतरनाक है। कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की और देश भर में दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर बैन लगा दिया। अब से ना तो आप ऑनलाइन दवाइयां खरीद सकेंगे और ना ही बेच सकेंगे। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट पोस्ट हिंदी के साथ।